रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पाकिस्तान है पेशावर में आत्मघाती हमला, एनपी नेता हारून बिल्लौर सहित 13 लोगों की मौत। पेशावर, पाकिस्तान के पेशावर शहर में मंगलवार रात एक चुनावी बैठक में हुए संदिग्ध आत्मघाती विस्फोट में अवामी नेशनल पार्टी एएनपी के नेता हारून बिल्लौर सहित कम से कम 13 लोग मारे गए। हमले में करीब 47 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रारंभिक खबरों में कहा गया है कि अकातूत इलाके में हुए इस धमाके में एक दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें पास के लेडी रीडिंग अस्पताल भेजा गया है। विस्फोट तब हुआ जब बिल्लौर और एएनपी के कार्यकर्ता पार्टी की एक बैठक के लिए एकत्र हुए। बिल्लौर के मंच पर पहुंचने पर वहां पटाखे चलाए जा रहे थे कि तभी एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। इस आत्मघाती विस्फोट में बिल्लौर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। राहत एवं बचाव टीम घटना स्थल पर है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि बिल्लौर के पिता एवं एएनपी के वरिष्ठ नेता बशीर अहमद बिल्लौर भी 2012 में पेशावर में पार्टी की एक बैठक के दौरान तालिबान के हमलावर द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में मारे गए थे।